की जन्नत, वो हसीन वादिया, खूबसूरत डल झील, जिसे देखने की हसरत लिए हर साल लाखों सैलानी कश्मीर पहुंचते हैं। कुदरत ने कश्मीर को ऐसा नायाब तोहफा दिया है जो हर किसी का मन मोह लेता है। आज भी कश्मीर उतना ही खूबसूरत है, आज भी कश्मीर के जर्रे जर्रे में जन्नत बसती है, लेकिन आज कश्मीर में वो अमन चैन नजर नहीं आ रहा है। न जाने कश्मीर को किसकी नजर लगी है कि हर दिन बीतने के साथ ही कश्मीर की आबोहवा में हिंसा का जहर घुलता जा रहा है। कभी कश्मीर सैलानियों की पसंदीदा जगह हुआ करता था, कभी कश्मीर में सैलानियों के लिए भाईचारा नजर आता था, लेकिन आज कश्मीर में दुश्मनी के ऐसे बीज बो दिए गए हैं कि पर्यटकों के मन में कश्मीर की खूबसूरती को निहारने से पहले खुद की सलामती की चिंता होने लगती है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कश्मीर में फैला आतंकवाद, कश्मीर के अलगाववादी, कश्मीर में हो रही पत्थरबाजी और कश्मीर में पसरी बारूद की गंध। जिस तरह से घाटी में पर्यटकों को निशाना बनाया जा रहा है, वो न सिर्फ कश्मीर के लिए नासूर बन रहा है बल्कि कश्मीर की आवाम के लिए संकट बनकर भी सामने आ रहा है। क्योंकि जिस कश्मीर को पर्यटन के दम पर हर साल करोड़ों की कमाई होती है, वहां के लोगों की रोजी रोटी चलती है, अब बौखलाए आतंकियों और पत्थरबाजों ने कश्मीरियत पर ही चोट करनी शुरू कर दी है। सैलानी पर पत्थर बरसाकर कश्मीर के भस्मासुरों ने कश्मीरियों के लिए ही बड़ा संकट पैदा कर दिया है। अगर ऐसे ही सैलानियों को टारगेट किया जाएगा तो फिर कश्मीर को वीरान होने से कोई नहीं बचा पाएगा। वो कौन लोग हैं जो कश्मीर को बर्बादी के रास्ते पर ले जा रहे हैं? तो बने रहिए न्यूज नेशन के साथ और देखते रहिए कश्मीर की हसीन वादियों का दुश्मन कौन। कश्मीर जिसे जन्नत कहा जाता है, वही कश्मीर रो रहा है और सूबे की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती का दिल टूट चुका है, जबकि उमर अब्दुल्ला का सिर भी शर्म से झुक चुका है। और इसकी वजह है कश्मीर में कलंक की एक नई गाथा लिखने का वो पत्थरबाज, जिसकी पत्थरबाजी की वजह से एक घर का चिराग बुझ गया। लाचार पिता के आंसू थमते नहीं, मजबूर मुख्यमंत्री ढांढस बंधा रही। कितने अरमानों से जन्नत की सैर के लिए पहुंचे, क्या पता था कि जन्नत में छिपे चंद गद्दार जिंदगी भर का जख्म दे जाएंगे। चेन्नई से 22 साल के थिरुमणि कश्मीर की सैर पर आए, टूरिस्ट बस में सवार होकर नारबल इलाके पहुंचे तो हाथों में पत्थर लिए कुछ पत्थरबाज कश्मीर की फिजा को जहरीला बनाने में जुटे थे। एक पत्थर थिरुमणि के सिर पर लगा और दूसरा कान के पास। आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया गया लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। आज कहाँ जा रहे हैं? आज कहीं घूमना के लिए लेके जा रहा था। गाड़ी में थे? गाड़ी में था। पत्थर ऐसा मार रहा था, बहुत दिल था, पत्थर ऐसा मार रहा था और ऐसा लग गया, यहाँ पर लग गया उसे। मेरा फैमिली इधर खान में लग गया, उसको भी बहुत कूट निकाला। जिस कश्मीरियत की मिसाल दी जाती है, जिस कश्मीर में मेहमान नवाजी की अलग ही रवायत रही, उसी कश्मीर को चंद गद्दारों ने कलंकित कर दिया। थिरुमणि के पिता राजविल की आंखों से निकले आंसुओं का दर्द सियासी गलियारों में भी महसूस किया जा रहा है। यदि कश्मीर में पर्यटक को कोई नुकसान पहुंचता है तो मुझे लगता है कि कश्मीर का आम इंसान भी उसे माफ करने के लिए तैयार नहीं होगा। अपने मेहमानों के साथ जो हमने कल सलूक किया, यहाँ तक के चेन्नई से एक हमारे मेहमान पत्थरबाजी में मारे गए, मुझे लगता है इससे बड़ी दुख की बात और शर्म की बात हमारे लिए हो नहीं सकती। टूरिस्ट के साथ टेरर से पूरा कश्मीर शर्मसार, उन गद्दारों को छोड़कर जो जन्नत को लहूलुहान करने की कसम खाए बैठे। ये पत्थर सिर्फ एक सैलानी को नहीं मारा गया, ये कश्मीरियत पर फेंका गया वो पत्थर है जिसके जख्म लंबे वक्त टीस का एहसास कराते रहेंगे। श्रीनगर से इद्रीस लोन के साथ टी न्यूज नेशन। तो कश्मीर अपने आंगन में एक सैलानी की मौत का मातम मना रहा है, लेकिन सियासत करने वाले अभी भी पीछे नहीं है। जरा आप भी देखिए कि किस तरीके से मौत पर मातम है तो सवालों की आड़ में सियासत भी खूब हो रही है। कहीं मौत का मातम है और कहीं मौत पर सियासी बयानबाजी। Why did security agencies allowed tourists to visit a place where there was every chance that there could be some law and order problem? Because people were angry, situation was volatile, 6 civilians were dead, 11 Kashmiris had lost their lives just in one day in Shopian.
सुना आपने, ये कश्मीर के विधायक हैं इंजीनियर राशिद। एक दिन पहले ये शोपिया में 11 आतंकियों के एनकाउंटर से इतने खफा थे कि विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, और अब उसी एनकाउंटर से एक बेगुनाह सैलानी की मौत को जोड़ रहे हैं। मैं एसएसपी शोपियन बोल रहा हूँ, एसएसपी शोपियन, आप फायरिंग बंद कर दो और चुपचाप बाहर आ जाओ। फायरिंग बंद कर दो, खुदा के वास्ते कुछ नहीं मिलना इससे, आप बाहर आ जाओ। अब इन्हें कौन समझाए कि हाथों में हथियार लिए कत्लेआम के लिए निकले वो नौजवान मासूम नहीं थे, बेगुनाह नहीं थे, वो आतंकी थे। लेकिन सियासत ही कुछ ऐसी है कि एक बेगुनाह सैलानी की मौत और आतंकियों की मौत में फर्क करना भी मानो उनको मुनासिब नहीं दिखता। It was not a target stone pelting on the tourists. It was just a coincidence that tourists happened at that place, because you know whenever there is stone pelting, whosoever comes in way, he could become a target. नेताओं की जुबान से निकले ऐसे बोल हैरान करते हैं। क्या दलील है? पत्थरबाजी कभी निशाना बनाकर होती ही नहीं। पत्थरबाजों के रास्ते में चाहे मासूम बच्चों की बस आ जाए या एक बेगुनाह सैलानी, इन सिरफिरों का सिर्फ एक ही मकसद होता है, लोगों को दर्द देना, जख्म देना। ऐसे मौकों और मुद्दों पर सियासी खेमेबाजी का रंग अलहदा हो जाता है। Even civilians get injured when they get killed. Does she visit their homes? No, she doesn't. So it is hypocrisy. They are hypocrites. They are pleasing New Delhi. एक बेगुनाह सैलानी की मौत पर महबूबा मुफ्ती का यूं ढांढस बंधाना भी इंजीनियर राशिद को रास नहीं आया। आपको दर्द ये है कि महबूबा मुफ्ती सूबे में आए मेहमान की मौत पर परिवार वालों से क्यों हमदर्दी जता रही है? नजर पर नफरत और सियासत का चश्मा ही कुछ ऐसा चढ़ा है कि आपको ये हिपोक्रेसी लगती है, इंसानियत नहीं। श्रीनगर से इदरिस लोन के साथ टीम न्यूज नेशन। कश्मीर एक बार फिर पर्यटकों से गुलजार होने लगा है। जिस तरह से सुरक्षा कर्मी आतंक का सफाया कर रहे हैं, उससे पर्यटकों का मनोबल बढ़ा है, और घाटी के सुहाने मौसम में हर तरफ पर्यटक खूबसूरत वादियों का लुत्फ उठाते दिख रहे हैं। डल झील यानी कश्मीर की शान, भारत की सबसे सुंदर झीलों में से एक। पर्यटक जम्मू कश्मीर आए और डल झील देखने ना जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। डल झील ही नहीं, जम्मू कश्मीर में हर पर्यटन स्थल पर मौजूद सैलानियों की भीड़ दहशतगर्दों को करारा जवाब है। कश्मीर में मौसम सुहाना होने की वजह से टूरिस्ट कश्मीर का रुख कर रहे हैं, बावजूद हालात ख़राब होने के भी हम देख रहे हैं कि लाखों की तादाद में जो हैं टूरिस्ट कश्मीर पहुंच चुके हैं। अब श्रीनगर के डल लेक के किनारे हैं और यहां पर हम देख रहे हैं कि टूरिस्ट का जमावड़ा लगा हुआ है। बहुत सारे टूरिस्ट जो हैं पूरे देश से आए हुए हैं, क्योंकि मौसम जो है बहुत ही सुहाना हो रहा है। जहां पूरे देश में इस वक्त हीट वेव और स्टॉर्म देखने को मिल रही है, वहीं कश्मीर में टेम्परेचर 15 डिग्री है और धूप निकली हुई है। साथ ही टूरिस्ट जो है इसी मौसम का लुत्फ देखते हुए नज़ारा जो है उठा रहे हैं। वहीं टूरिस्ट का कहना है कि वो बहुत ही सेफ फील कर रहे हैं, क्योंकि चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी फोर्सेज जो हैं वो मौजूद है, जिसकी वजह से इनको कोई भी डर या खौफ नहीं है। सोशल मीडिया में इन दिनों पत्थरबाजों के खौफ के वीडियो और संदेश वायरल हो रहे हैं, लेकिन घाटी के पर्यटन की बात करें तो तस्वीर कुछ अलहदा है। पर्यटकों के जोश और जज्बे में कोई भी कमी देखने को नहीं मिल रही। कश्मीर की खूबसूरत वादियों का लुत्फ उठा रहे पर्यटक बिना किसी खौफ हसीन वादियों में कुछ हसीन यादें समेट रहे हैं। बस मेरे लिए तो एक ही मैसेज होगा कि यहाँ कोई डरने की बात नहीं है, बस सब सेफ है, सब अच्छे से घूमें, इंजॉय करें, और सभी को यहाँ आना चाहिए। और जो शायद नहीं आ रहे हैं, अपना प्लान कैंसिल कर रहे हैं ये छोटी छोटी बातों को सोच कर, वो अपना अच्छा सा खूबसूरत मौका गवा रहे हैं, इसलिए उनको यहाँ ज़रूर आना चाहिए। और ये जो हो रहा है उसके लिए हमारी पुलिस फोर्स है और ये आर्मी वाले जो हैं वो बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। जहां पूरे देश में इस वक्त हीट वेव और स्टॉर्म का असर देखने को मिल रहा है, वहीं कश्मीर में मौसम बहुत ही प्लेजेंट और बेमिसाल हो रहा है। अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो इस वक्त का टेम्परेचर 15 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है, और आप देख सकते हैं कि विजुअल्स में कितना खूबसूरत नज़ारा जो है इस वक्त डल लेक का बना हुआ है। जो पानी का कलर है बिल्कुल ब्लू कलर, नीला कलर जो है आसमान का वो दिख रहा है, और साथ ही काफ़ी ज़्यादा शिकाराएँ जो हैं डल लेक के ऊपर
इस वक्त तैरती हुई नज़र आ रही हैं। काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट जो हैं इस वक्त श्रीनगर में हैं, गुलमर्ग में हैं, पहलगाम में हैं। सभी लोगों ने यहाँ आना चाहिए, इंजॉय करना चाहिए। ये जो जन्नत का नज़ारा है कश्मीर की वादी में, सिरोवाली का डेरा है, बहुत है, सच है ये। अभी तक सिर्फ सुना था लेकिन आज देखा है आँखों से, बहुत अच्छा लग रहा है। हमें यहाँ पर बहुत मज़ा आ रहा है और जितना सोचा था उससे कहीं ज़्यादा बहुत अच्छा है। और सभी को यहाँ आना चाहिए, घूमना चाहिए और इंजॉय करना चाहिए। जाहिर है भीषण गर्मी झेल रहे लोगों के लिए कश्मीर का मौसम काफ़ी खुशगवार है। देश और दुनिया के सैलानी कश्मीर के मेहमान हैं और आतंकी चाहे लाख कोशिश कर लें, कश्मीरी अपने इन मेहमानों से नाता नहीं तोड़ सकते। इद्रीस लोन, न्यूज नेशन, जम्मू कश्मीर। न सिर्फ डल लेक बल्कि कश्मीर का ट्यूलिप गार्डन भी सैलानियों की पसंदीदा जगह है। यहाँ हर साल लाखों पर्यटक घूमने के लिए पहुँचते हैं और इस बार 10 दिनों में ट्यूलिप गार्डन की सैर करीब 1,00,000 सैलानी कर चुके हैं। यह है कश्मीर की पहचान, कश्मीर की जान, ट्यूलिप गार्डन। यहां खिले फूलों की खूबसूरती आपका मन मोह लेती है। रंग बिरंगे फूल हर किसी को कश्मीर खींच लाते हैं। कश्मीर की हसीन वादियों के बीच इस गार्डन को करीब से देखना अपने आप में अलग सा आनंद देता है। कश्मीर में भले ही बारूद और गोलियों की गूंज सुनाई दे रही है, यहाँ आतंकवाद और अलगाववाद दिख रहा है, इसके बावजूद यहाँ की फिजाओं और यहाँ के दिलकश नजारों में कितनी कशिश है, इसका अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि महज 10 दिन में ट्यूलिप गार्डन घूमने आने वालों की संख्या 1,00,000 तक पहुंच गई है। बाग के खुलते ही हालात हमने ऐसे देखे कि यहाँ टूरिस्ट बाहर इंतज़ार करते रहे, लेकिन जो ही बाग खुल गया तकरीबन मुझे लगा पहले ही दिन 4,000-5,000 टूरिस्ट जो अंदर आए। और उस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पिछले साल से के निस्बत आज तकरीबन डबल ऐसा फ्लो हो गया टूरिस्ट का यहाँ पर। लोग छुट्टियों में कश्मीर घाटी के इस शानदार नज़ारे को देखने के लिए आ रहे हैं। यहाँ का मौसम काफ़ी सुहाना है। ये जगह इतनी खूबसूरत है कि एक बार इस जगह आने के बाद यहाँ से जाने का मन नहीं करता है। कश्मीर तो देखिए सुंदर जगह है ही, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, सुना था, लेकिन देखने के बाद पता लगा है क्या चीज़ है। हम गुलमर्ग गए घूमने, गुलमर्ग अपने आप में एक अलग ही जगह है। उसके बाद यहाँ श्रीनगर आए, श्रीनगर गार्डन्स अच्छे हैं, लेक अच्छा है, व्यू अच्छा है, वेदर अच्छा है। सब लोग को एक बार इधर आना ही होगा, पृथ्वी ऊपर का स्वर्ग भगवान ने वो बनाया है ने, वो देखते हुए ऐसा लगता है कि वो फूल इतना, वो बगीचा इतना अच्छे है और वो फूल इतना अच्छा है तो बनाने वाला कितना अच्छा होगा। सिर्फ पर्यटक ही नहीं, बॉलीवुड भी इस गार्डन की तरफ आकर्षित हो रहा है। यहाँ आने वाले सैलानियों का वक्त कैसे गुजर जाता है उन्हें इसका एहसास ही नहीं होता। पर आना चाहिए, जिस तरीके से हम लोगों ने अमिताभ बच्चन और रेखा को देखा है यहाँ पर सॉन्ग गाते हुए, उसी तरीके से हम लोग चाहते हैं कि हम शाहरुख को देखें, सलमान को देखें और वरुण धवन वगैरह जो भी है अभी नहीं, आजकल के नए जो एक्टर्स आए हुए हैं उन सबको भी हम यहाँ देखना चाहेंगे ज़रूर। और उनके आने से 100% जो हमारे जैसे आम लोग हैं उनको भी बढ़ावा मिलेगा, जब बॉलीवुड के लोग यहाँ पर आ सकते हैं बेझिझक, किसी डर के खिलाफ होके सबसे लड़के यहाँ पहुँच सकते हैं, तो एक आम आदमी के लिए तो फिर नॉर्मल हो जाएगा, सब कोई आ सकते हैं। इस बार ट्यूलिप गार्डन को आम लोगों के लिए वक्त से पहले ही खोल दिया गया है और इसका बेहद अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। यहाँ आने वाले सैलानियों की बस एक ही दुआ है कि इस खूबसूरत जन्नत को किसी की नज़र ना लगे।